सभी पत्रकार साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव एक का जिन बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में UW ने FIR दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर UW में FIR दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। FIR की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च की FIR की कॉपी है, इसमें 4 मार्च लिखा गया है। और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, FIR तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लिकर में और दूसरे कोल में सब FIR दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया, इसे क्यों नहीं डाला गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो महादेव ऐप है इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित है, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली है। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज किया। पहला FIR दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 FIR दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिरोध अधिनियम है तो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसका इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी की। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत में व्यापक पैमाने पर किया गया। और इसमें 1000 से अधिक खाते सीज की गए, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने जारी किया। ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें
कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम का व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास की फोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो कॉन्सुलेट जनरल जो दुबई के हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो कॉन्सुलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट ऑफ दिस। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.